नगर निगम सभागार में गुरुवार को निगम बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। यह बैठक उप महापौर प्रकाश राम की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। बैठक में बतौर अतिथि सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। बोर्ड की इस बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, शहर के सौंदर्यकरण को लेकर स्ट्रीट लाइट, साथ ही ऑरेंज मीडिया के द्वारा शहर में कर रहे विज्ञापन को बोर्ड की सहमति से रद्द किया गया। बैठक में टोल टैक्स की भी कई तरह की शिकायतें आईं, जिस पर चर्चा की गई। वहीं निगम के द्वारा चल रहे योजनाओं की भी समीक्षा हुई। बैठक में उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति, अर्बन प्लानर मंजूर आलम सहित कई वार्ड पार्षदगण मौजूद थे। नगर निगम की बोर्ड की बैठक और बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें सर्वप्रथम गत बैठक की संपुष्टि की गई। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास से संबंधित जो DPR पेंडिंग था और विभाग से मांगा जाएगा, इसके बाद भेजा जाएगा, विभाग से भी चिट्ठी आ गई है, उसको भी बोर्ड ने पारित कर दिया है। DPR भेजने से संबंधित अभी 2-3 दिन के अंदर जितना भी DPR यहाँ पेंडिंग है वो सारा DPR चला जाएगा। तीसरी बात, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो माननीय सदस्यों के द्वारा दिया गया है उसको भी बोर्ड से सर्वसम्मति से पारित किया गया। पारित करने के पश्चात वो इस्टीमेट बनने के बाद फिर विभाग को भेजा जाएगा, विभाग से स्वीकृति के बाद उसको धरातल पर उतारा जाएगा। चौथा बात, ऑरेंज मीडिया से जो संबंधित है, ऑरेंज मीडिया का जो यूनिपोल शहर में लगा हुआ है उसमें बात आई कि यह जो पोल लगा हुआ है बिल्कुल अवैध है। समिति बनाई गई थी, समिति ने जांच करके और रिपोर्ट में कहा बोर्ड की बैठक में कि यह बिल्कुल अवैध रूप से लगाया गया है और जो नियम था उसका 100% वायलेशन किया गया है, इसीलिए उस पर नियम संगत जो कार्रवाई हो उस पर लोगों ने सहमति व्यक्त की और उस पर विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। चौथी बात है कि श्मशान घाट में जो डोम राजा के द्वारा जो पैसा लिया जाता है उसके लिए भी कमेटी बनी थी दर निर्धारित करने के लिए। हमने कहा है कि 3 दिनों के अंदर कमेटी रिपोर्ट दे और दर निर्धारण करने का काम करे। चौथा है, नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो भी नगर निगम की जमीन है उसको एक समिति बनाकर और चिन्हित करने का काम करे और वहाँ नगर निगम का बोर्ड लगाया जाए ताकि नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा न हो। और एक विषय माननीय सदस्य के द्वारा लाया गया कि जो टॉल यहाँ चल रहा है शहर में एंट्री पॉइंट पर, उसमें दर निर्धारण को लेकर कि छोटी गाड़ी जो हमारी शहर में जो आती है, लोगों ने कहा कि एक गाड़ी अगर 4 बार आती है तो 4 बार पैसा लिया जाता है। इस पर भी बात हुई, समिति बनी है, समिति उसकी जांच करेगी और जांच करने के बाद जो निर्णय होगा वो लागू किया जाएगा।